हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस साल की कार ऑफ द ईयर के बारे में। तो इस साल की कार ऑफ द ईयर रही है होंडा की न्यू अमेज, जो कि अपने CVT ट्रांसमिशन के साथ में आती है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, पहला है 1.2 लीटर के साथ में पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर के साथ में डीजल इंजन। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इसके इंटीरियर के बारे में अगर हमें बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है बेज कलर की फैब्रिक टाइप की सीट्स और साथ में ड्यूल टोन का डैशबोर्ड, जो कि अपने आप में एक कम्प्लीटली प्रीमियम लुक देता है। तो बात करते हैं अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला MID स्क्रीन के साथ में और दूसरा है 8 इंचिस की LCD डिस्प्ले के साथ में, जिसमें कि आपको एप्पल कार प्ले का ऑप्शन मिल सकता है और एंड्रॉयड कार प्ले का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में नेविगेशन ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। तो डिस्प्ले से नीचे अगर देखा जाए तो हमें मिलता है AC के कंट्रोल्स। AC के कंट्रोल्स में हमें इसमें मैनुअली कंट्रोल और ऑटोमेटिक दोनों टाइप के कंट्रोल हमें मिलते हैं। तो बात करते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल की। तो स्टीयरिंग कंट्रोल पर हमें मिलता है कॉल रिसीव का ऑप्शन, कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन और जैसे हम गाने सुन रहे हैं तो उसमें हम वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन भी हमारे पास इसमें है और साथ में किसी भी सॉन्ग को नेक्स्ट या प्रीवियस करने का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो यह इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको दी गई है कीलेस एंट्री के साथ में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन। तो अब इसका नेक्स्ट फीचर है वो है पैडल शिफ्टर, मतलब इसमें आपको मिलता है 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में पैडल शिफ्टर। तो पैडल शिफ्टर की मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की और किसी भी गाड़ी में पैडल शिफ्टर नहीं दिया गया है। हम पैडल शिफ्टर का यूज़ एज ए मैनुअली गियर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, अधिकतर इसको स्पोर्ट मोड में यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में देखते हैं, इसकी सेफ्टी। इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें हमें ड्यूल एयरबैग्स दिए गए हैं, पहला ड्राइवर के लिए और दूसरा को पैसेंजर के लिए, लेकिन इसमें बैक साइड में कोई भी एयरबैग हमें नहीं मिला है। तो शायद मुझे लगता है इसमें बैक साइड में भी एयरबैग होना चाहिए था। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो हमें इसमें 420 लीटर का एक बहुत ही अच्छा बूट स्पेस मिलता है और साथ में इसमें हमें मिलता है रियर पार्किंग सेंसर। बात कर लेते हैं इसके रियर कैबिन की। तो रियर कैबिन में आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके टॉप वेरिएंट में कप होल्डर का और एक बहुत ही अच्छा कैबिन स्पेस इसमें आपको मिलता है। तो बात करते हैं इसके प्रीमियम लुक की। इसका प्रीमियम लुक है वो है इसकी क्रोम फिनिश की ग्रिल के कारण, जो कि इसको एक प्रीमियम लुक देता है और इसी के साथ में इसकी रूफ के ऊपर शार्क फिन टाइप का एंटीना है और साथ में फॉग लैम्प। तो बात करते हैं इसके टायर्स की। इसमें आपको मिलते हैं 14 इंचिस के ट्यूबलेस टायर, जो कि एलॉय व्हील के साथ में आते हैं और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। बात की जाए अब इसके पावर की। अगर पावर की बात की जाए तो इसमें 1199 cc का इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ में आता है और 88 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की गाड़ी में सभी चीज़ें कंप्लीट मिली हैं हमें इस वेरिएंट में। अब बात की जाए इसके प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो इसका जो लो वेरिएंट है वो है 6 लाख से स्टार्ट है और जो कि हाई वेरिएंट है वो है 10 लाख। तो आज की वीडियो में इतना ही, इन्जॉय करें और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।